हे गाइस, तरुण बेदी दिस साइड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। यार आज मैं जा रहा हूँ, मतलब कह सकते हैं कि अपने एक बचपन का सपना पूरा करने जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ अपना गेमिंग पीसी बिल्ड करवाने, और मेरा जो बजट है वो है 1 लाख तक का, तो उसके अंदर अंदर ही बिल्ड करवाना है। प्लस जिन भैया से, जिन शॉप से मैंने करवाना है नेहरू प्लेस में, उनको मैंने सारा कुछ बता दिया, अपनी स्पेसिफिकेशंस, रिक्वायरमेंट्स। तो यार मतलब जाते ही बस बिल्ड करवा देना, कोई देरी नहीं करनी, और मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मतलब यार वो एडिटिंग, वो गेमिंग अब मैं कर पाऊँगा जो एक टाइम पे सोचा करता था, समझ रहे हो। तो यार बिना किसी देरी के कटिंग शेविंग करा के सीधा आप लोगों से मैं मिलूँगा नेहरू प्लेस, लेट्स गो। सो गाइज, ये देख लो एक ग्लिम्स ऑफ नेहरू प्लेस की मार्केट। अब बस जल्दी से शॉप की तरफ निकलते हैं, यार मेरे से बिल्कुल वेट नहीं हो रहा। SMPS क्या? पावर सप्लाई से चलते हो? पावर सप्लाई में बताओ बेस्ट कौन सी रहेगी। देखो ये मैंने ऑनलाइन देखी थी तो 2700-2800 तक की आ रही थी, वो सब लगे कि ये हैवी हो जाए थोड़ी सी, ठीक है। ये आपको 4100-4200 के आसपास आएगा, ये आपको 650 आएगा, तो मतलब 600 में 100 वोट का फर्क आ जाएगा। हाँ, पर वो तो इनफ होगी ना, 500 वोट तो बहुत इसके लिए। आप खुद देखना चाहिएगा मॉडल, मॉडल आप जो दो तीन तरह का प्रोसेस आपने करा पा चुका है, 2-250 सब्सक्राइबर बन गए, अभी 750 चल गया। एक दिन हुआ था ऐसा, हमारे पीछे सूरज और टॉप पे अपने यहाँ पे 3.1 हो गए, यहाँ पे 2.0। आज मैंने आपको इस वाले बोर्ड के बारे में आपको बताया कि हाँ भैया ये आता है 78 का, तो इसलिए आपने मान लिया, ठीक है। अदरवाइज मैं बोलता वही बोर्ड 11,000 रुपए का मिल रहा है विद वाई फाई बोर्ड, आप तो भी लेते क्योंकि आपको नहीं पता है। आप इतनी गौर से क्या देख रहे हो, आप भी सीख रहे हो क्या? काम सीख रहा हूँ भाई मैं, वो कहते हैं ना सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, और सीखना टेक्निकल नॉलेज होनी है, सीखता रहना चाहिए बंदा कुछ ना कुछ। तो और क्या, कल को कोई दिक्कत आ गई तो आप ही कर दोगे? आ रहे हैं, हमें दिक्कत आएगी कल को मैं हैंडल कर दूंगा ना, दिक्कत कोई सीखने की, मैं सीखने की उम्र नहीं होती, सीख रहे हो, मैं कहां सीख रहा हूं, सीखने की उम्र नहीं होती। वो तो सही बात है, सीखने की उम्र थोड़ी है। वही सीख रहा हूँ भाई साहब से। तो यार अभी अपना सारा सेटअप कंप्लीट कर दिया मैंने। ओ क्या बात है यार, ओ माय गॉड। और अब विंडोज चलने की बारी है, तो विंडोज वगैरह सारा सेटअप कर देंगे भैया। क्या हो गया भाभी, थक गए हो? आपने कहीं पे ऐसी जगह रख लेना, क्योंकि ना क्या होता है सम टाइम ऐसे वारंटी वारंटी के अंदर ना, मतलब बॉक्स की जरूरत नहीं पड़ती है ना, तभी आपको जैसे जीपीयू अपग्रेड करना होगा, तो आप जिसको सेल करोगे वो बोलेगा भैया बॉक्स भी है इसका, बिल भी है, तो अच्छा रहता है। तो वही भैया भी बता रहे थे कि बॉक्सेस वगैरह अपने सामान के जरूर रखना है ना, सेल करने में भी दिक्कत आ सकती है, वारंटी लेने में भी दिक्कत आ सकती है, तो उस वजह से मैं तो बाकी बेड पे रख लूंगा, बेड के अंदर डाल के। अच्छे से ये इसका वो है एंटीना है, ठीक है, वाईफाई ब्लूटूथ का, पीछे लगा देना, इसमें रख दे। सही है पापा, और सुपर। थक गए हो? भूख लगी भाई, अभी जैसे हो जाता है ना तो बाहर से कुछ खा लेते हैं थोड़ा। भैया करवा देंगे ना खाने का अरेंजमेंट? बिल में लगा देंगे भैया, इतने पैसे लगेंगे और ये लोग डल चुकी है फाइनली। नहीं सेवन तक बोला था अपने लास्ट में, मतलब 7-8 बजे हम रहते हैं, ऐसा भी नहीं है, अगर हमारे पास काम रहते हैं तो हम 1 बजे तक भी रहते हैं, ऐसा नहीं है। क्या बात है, डेडिकेशन। बोल रहे थे तरुण से, काम बोल रहे थे हम 7 बजे तक लास्ट मिलेंगे, जैसे काम आता है तो बरकत रहती है ना। अब जैसे भैया का ठीक है, अगर आपके सूट अगर चलता रहे हाँ। तो आप 1 बजे भी काम करने में पीछे नहीं हटोगे, सुबह 5 बजे जाता है, सुबह 5:30 इसको काम आना चाहिए, और यही तो भैया डेडिकेशन होती है। बिल्कुल बिल्कुल, वही चीज है ना, पैसा चीज ही ऐसी आपको उठने पे मजबूर कर देती है। गाइज, अब विंडोज़ के लिए हमने प्रोडक्ट की भी खरीद ली है, भैया डाल रहे हैं। पहले मैं सोचा था बिना की के विंडोज़ करवा लूँ, पर भैया लोगों ने बताया कि यार फिर आपके जो विंडोज़ के अपडेट्स वगैरह वो नहीं आया करेंगे रेगुलरली, मतलब रेगुलरली क्या आया ही नहीं करेंगे, कभी अपडेट नहीं होगी विंडोज़ वगैरह,
प्लस एंटीवायरस वगैरह भी नहीं डलेगा, तो इसलिए की ले लिया है ताकि अपडेट्स भी आते रहें रेगुलरली और एंटीवायरस की भी ज़रूरत ना पड़े। तो कोई भी वायरस आएगा अगर पीसी में वो ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। ये लाइटर क्या बात है, हर जगह लाइटें लाइटें हैं, कैबिनेट में भी लाइटें, इसमें भी, माउस में भी होंगी। अप एंड डाउन एड्रेस बता दो एक बार। बिल्कुल भाई, शॉप का नाम है यहाँ पे आरुष इन्फोटेक, और हम लोग लोकेट करते हैं नेहरू प्लेस में 112 विशाल भवन पे, ठीक है। बाकी हमारी ऑनलाइन वेबसाइट भी आपका makemyrigs.com के नाम से, आप वहाँ से अपने लिए कस्टमाइज पीसी भी बिल कर सकते हैं, प्लस में यहाँ पे प्रीबिल्ट पीसी भी यहाँ पे बाय कर सकते हैं, ठीक है। और ये पूरा बिल हो गया आपका इसके अंदर में, और इसके अंदर भी हमारा एक चीज और भी है, वो भी इंक्लूड है आपका यूपीएस, उसमें माइग्रो डॉक्यूमेंट यहाँ पे 650 आपका बीए का, दिखा दीजिए यूपीएस से। हां यूपीएस दिखा दो वहां से, कौन सा वाला है वो वाला ये, हाँ। ये आपका यूपीएस भी साथ में, कंप्लीट सेटअप यहाँ पे 81,250 रुपीस का आपके सब कुछ आपको दे दिया इसके अंदर में मैंने। सही सही सही, ठीक है। और बाकी भैया भी यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को तो बहुत बढ़िया लगा यार, भैया से काफी टाइम पहले से बात हुई थी, पर मैं थोड़ा बहुत बिजी चल रहा था इसलिए लेट करता गया, तो आज मौका मिला आज भैया के पास आने का, और कह सकते हैं कि अपना प्रॉपर पावरफुल सेटअप लेने का, और बहुत ही जेन्युइन लगा मेरे को। तो अगर आपने पीसी वगैरह बिल्ड करवाना है, नेहरू प्लेस एक तो इतनी बढ़िया जगह, ऊपर से सुभाष भी हैं, तो यहीं से आपने करवाना है बस। बेस्ट डील, बेस्ट मार्केटिंग स्किल्स, सब कुछ बहुत। सो गाइस, फिर मैंने बाहर से हेडफोन्स और मैट भी परचेज कर लिया, बड़ा मैट लिया मैंने जो कीबोर्ड और माउस दोनों के नीचे आ जाए, क्योंकि भैया के पास ये दोनों चीज़ें नहीं थी, इसलिए फिर हमको बाहर से लेनी पड़ गई। सो गाइस, अब घर जा रहे हैं और सब कुछ रखवा लिया है गाड़ी में, सारा सामान घर की तरफ जा रहे हैं। तो कैसा, सही था पापा सब? बहुत बढ़िया, उसकी सर्विस भी अच्छी थी यार, उसने मतलब की जो जो क्वारी हमने ली, जो जो हमने पूछा उसने बताया ढंग से, बढ़िया। और यार ये प्लान पता है मेरा कैसे बना पीसी लेने का? आप लोगों को पता ही है सबको, मैं शॉर्ट्स डाल रहा हूँ अभी, वैसे बड़ी बड़ी वीडियोस नहीं डाल रहा प्रॉपर, बट अगर शॉर्ट्स वगैरह आप लोग देखते होंगे तो अभी ना, या आप मेरे इंस्टाग्राम से जुड़े होंगे तो आपको पता होगा, मैं थोड़े फैशन शोज, थोड़े शूट्स वगैरह चल रहे हैं, और बाकी इन्फ्लुएंसिंग चल रही है, तो थोड़ा बहुत ठीक है, डिसेंट अमाउंट जोड़ रहा हूँ मैं, काफ़ी टाइम से जोड़ रहा था। तो फिर प्लान क्या बना कि नया फ़ोन लूँगा, लास्ट ईयर ये 13 लिया था, इस बार सोचा था 15 प्रो मैक्स लूँगा। और तो पापा जब 15 प्रो मैक्स आया तो ये हुई थी बात कि 13 पापा को दे दूंगा, मैं 15 प्रो मैक्स ले लूँगा, बट 15 प्रो मैक्स गंदा सा आया यार, उसके रिव्यूज़ भी आप लोगों ने देखे होंगे कि ब्रेक हो रहा है काफ़ी इजीली, है ना ये सब। और फिर मैंने सोचा है चलो 14 प्रो मैक्स ले लेता हूँ या 14 प्रो ले लेता हूँ। तो पापा ने और मम्मा ने एक चीज़ सजेस्ट करी कि फ़ोन अभी मैंने लास्ट ईयर ही लिया है और आईफोन लिया वो भी, तो हर साल चेंज करने का उतना है ना वर्थ इट नहीं लगता। नीट भी जिस चीज़ की वो लेनी चाहिए, एडिटिंग वगैरह इसमें स्टोरेज भी फुल हो जाता है, और एडिटिंग के लिए भी चाहिए, और काफी काम हो जाते हैं, गेमिंग भी कई बार अपना स्ट्रेस बूस्ट करने के लिए अपना गेमिंग वगैरह भी करनी होती है, तो मोबाइल तो है ही, जो चीज नहीं है वो चीज अगर आप अपनी अर्न कर रहे हो तो आपको ये होना चाहिए कि मैं इधर उधर नहीं होगा, एक चीज बन जाएगी इसकी और जो यूजफुल है, इसलिए हम लोगों ने सजेस्ट किया, और इसने ये है भी ऐसा वेस्टेज नहीं करता, तो अच्छी चीज लेके आया। तो फिर मैंने गेमिंग पीसी ले लिया, गेमिंग पीसी क्या, एडिटिंग गेमिंग पीसी भाई, और ये मेरी जो मैंने ये सोचा था लास्ट मंथ सोचा था, बट काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक स्केड्यूल चल रहा था, इसलिए मैं बता भी रहा था वीडियो में कि भैया से भी मैंने एक महीने पहले ही बात कर रखी थी कि मैं आपकी शॉप पे आऊँगा ये वो सारा कुछ, बट आज आया हूँ, एक महीने बाद आया था, बट अब सारा कुछ ले लिया, अब हम जा रहे हैं कुछ खाने क्योंकि दोपहर से भूखे हैं, और हमें लग रहा था कि पता नहीं कितना, एक घंटे का काम होगा, आधे घंटे का काम होगा कि पार्ट्स बताएंगे और वो लगा देंगे पार्ट्स, पर ऐसा नहीं हुआ, 3-3.5 घंटे लग गए वहाँ पे, और अभी हम लोग सारे भूखे बैठे हैं और अब कहीं खाने खुने कुछ जा रहे हैं। तो ये वीडियो मैं यहीं, कोई दिक्कत नहीं, ये वीडियो मैं यहीं एंड करता हूँ गाइस, आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और भी मेरे काफी व्लॉग्स हैं यार जो आने हैं, है ना, 4-5 तो वीडियोस हैं, ऋषिकेश की पूरी ट्रिप पड़ी है, अब पता नहीं मैं ये वाली वीडियो उस ट्रिप के बाद डालूं, उस ट्रिप की वीडियोस के बाद ऋषिकेश वाली, या पहले डालूं, तो अब मेरा पता नहीं है,
तो जैसे भी डालूंगा आप लोग इंजॉय करना, देखना और मेरे को बताना अगर अच्छा लगा हो या ना लगा हो तब भी बताना। ठीक है गाइस, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय।